वहीं दूसरी ओर दुर्ग शहर की सुंदरता और अव्यवस्थित पड़ी जगहों को सवारने दुर्ग कलेक्टर ने निगम अधिकारियों के साथ शहर का किया दौरा, जहां चौपट चौपाटी और राजेंद्र पार्क को एक महीने के अंदर सवारने के दिए गए निर्देश। शहर को सुंदर व आकर्षक दिखाने के उद्देश्य को लेकर बुधवार को दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने शहर के अव्यवस्थित पड़े जगहों का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में दुर्ग के मध्य में स्थित चौपट पड़ी चौपाटी को जल्द सवारने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही दुर्ग कलेक्टर ने अव्यवस्थित पड़ी चौपाटी का चारों तरफ निरीक्षण कर उपयोगिता के आधार पर जगह का संधारण कर सुंदर बनाने और जल्द संवारने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही दुर्ग के राजेंद्र पार्क में पहुंच पार्क का अवलोकन किया, साथ ही इसमें शहर की जनता को और अधिक आकर्षण के साथ सुविधाएं उपलब्ध कराने पूरे पार्क का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने निगम अधिकारियों के साथ पार्क के अंदरूनी हिस्सों को सजाने व संवारने उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही दुर्ग बटालियन के पास ओवर ब्रिज से उतरते ही खाली पड़े जगहों को व्यवस्थित करने के साथ ही बोरसी हाट बाजार की दुकानों का जायजा लिया। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर के साथ सहायक कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी, प्रशिक्षु आयुक्त व निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुर्ग शहर के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो नगर चौपाटी, जो आज से 5-7 साल पहले तक काफ़ी अच्छी थी, फंक्शनल थी, फुटफॉल भी काफ़ी अच्छा था, शहर के लोग यहाँ पे आया करते थे, बट अभी किसी भी कारण से अभी एकदम कंडेम्ड स्थिति में चली गई है। अगले 2 महीने में इसको एक बहुत ही अच्छे रूप में हम लोग डेवलप करके शहर की जनता को समर्पित करेंगे और उससे एक नया अट्रैक्शन पॉइंट भी शहर में बनेगा। साथ में इससे जो नगरीय निकाय है उसकी भी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से राजेंद्र नगर जो पार्क है, यहाँ पर भी काफ़ी स्कोप है इसको और अच्छा डेवलप करने का। तो इसमें कुछ कुछ नए अट्रैक्शन पॉइंट्स इसमें भी डेवलप करेंगे, चौपाटी भी इसमें डेवलप होगी और बच्चों के लिए भी कुछ अलग किड प्ले एरिया रहेगा और ये भी मतलब 2 महीने के आसपास ही भी जो पार्क है एक अलग स्वरूप में। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा की पहल पर अब दुर्ग शहर भी अब सुव्यवस्थित होता जाएगा और इसके सौंदर्य में 4 चांद लगेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।